इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित साउथ गादड़ा खेड़ी की रहने वाली नाबालिग युवती को बहला फुसला कर वहीं के पास में रहने वाले युवक द्वारा अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित गदड़ा खेड़ी में नाबालिग युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग युवती के घर के पास में ही रहने वाला संतोष पटेल नामक युवक उसे अपने साथ ले जाता हुआ पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। संतोष मूलतः सागर का रहने वाला है। कई घंटों बाद जब युवती घर पर नहीं दिखी तो परिजनों ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो संतोष के साथ यूपी जाती हुई दिखी है, जिसके आधार पर पुलिस सागर सहित अन्य जिलों में संतोष की तलाश कर रही है। संतोष कुछ समय पहले ही अपनी बहन के यहां रहने आया था और यहां निजी दुकान पर हेल्परी का काम करता था। फिलहाल पुलिस संतोष के परिजनों सहित अन्य रिश्तेदारों की तलाश कर रही है। एक अपहरण का मामला आया है। माही पिता राम गोपाल विश्वकर्मा 7 साल इसकी उम्र है। साउथ गाड़रा खेड़ी से आज इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे इनके पिता। 363 का मामला इस पर कायम करा है अज्ञात के खिलाफ। बाद में सीसीटीवी फुटेज वगैरह से एक संदेही को नाम सामने आया है, उसको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या बताया जा रहा है, कुछ पास में रहता था जो ले गया साथ में? हाँ, वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे, दोनों किराएदार थे। तो जो लड़का रहता था, जो संदेही है, उसका नाम संतोष पटेल नाम आ रहा है सामने, तो उसको ले गया है। वो बच्ची को खिलाता भी रहता था पहले। बच्ची उसके साथ जो सीसीटीवी में दिख रही है फ्रेंडली जाती हुई दिख रही है, ऐसे मतलब उसको ऐसे ले जा रहा है, ऐसा जबरदस्ती नहीं लग रहा है उसमें देखने से। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।